नाम से डिमा भाषाओं में होजाई का मतलब होता है प्रिस्ट, लंग मतलब पानी और खा मतलब कम, सो पानी कम, इस वजह से इस जगह का नाम हुआ था लंग खा। वेलफील्ड डिस्कवर किया गया था और 1954 में यहाँ पे जो वेलफील्ड है और इसी जगह पे माताजी गुरुद्वारा का स्थापित हुआ था इन द ईयर 1820। दे रहे एक बोतल और ये देखिए मैंने तीन बोतल लिया है, तो तीन बोतल में मैंने भैया को 50 रुपीज़ दिया है और भैया देखिए आप लोगों के सामने में मुझे 5 रुपीज़ उनके पास चेंज है इसीलिए दे रहा है। और देखिए अभी तक सनराइज नहीं हुआ है। सो हेलो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है न्यू तिनसुकिया जंक्शन से गुवाहाटी तक, और न्यू तिनसुकिया जंक्शन से गुवाहाटी हम लोग जा रहे हैं 15960 कामरूप एक्सप्रेस में, जिसका शेड्यूल डिपार्चर है 922। 9:15 में गाड़ी तिनसुकिया में इन करेगी और 922 को इसका डिपार्चर टाइम है। पहले इसका डिपार्चर टाइम 7:40 हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1883 और इसका पुराना नाम था डिब्रू सदिया रेलवे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 3 और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। तिनसुकिया रेलवे स्टेशन में आने के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रेलवे हेरिटेज पार्क, जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहला हेरिटेज पार्क है रेलवे का। भैया यहाँ एक कमाल का है, बहुत ही सुंदर है, अगर आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका मेरा एक फुल वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर आप चाहे तो वो देख लीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर है ये, और साथ में है एक रेल कोच रेस्टोरेंट जिसका नाम है कैफ़े गोल्डन फिस्ट। ये एक रेलवे कोच है जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये भी एक अच्छा चीज़ है जहाँ पे आप इसका फूड ट्राई कर सकते हैं, इसका फूड का क्वालिटी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि थाली स्टार्ट्स फ्रॉम ₹99, तो 99 रुपीज़ में आपको भैंस थाली दिया जाएगा और क्या क्या दिया जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है। और भैया ये है हमारा न्यू तिनसुकिया रेलवे जंक्शन, और साथ में भाई ये है बहुत ही सुंदर हमारा प्यारा सा नेशनल फ्लैग। तो ये है हमारा नेशनल फ्लैग, अब देखिए हमारा जो नेशनल फ्लैग तिनसुकिया में, तिनसुकिया जंक्शन, न्यू तिनसुकिया जंक्शन में बढ़िया से लहर रहा है। और साथ में है देखिए यहाँ पे है असम का मैप और हमारी भारत की जो नेशनल फ्लैग, और साथ में फेमस हमारे असम की बिहू डांस। तो अगर आप आते हैं तो ये हो गया गाड़ी का एग्जिट पॉइंट, और यहाँ पे कार पार्किंग है, आप अपना कार यहाँ पे पार्क करके तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पे जब निकलेंगे तो ये है एग्जिट पॉइंट जहाँ से आप निकल सकते हैं। न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन में आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़ दिख जाएगी, जैसे कि वेटिंग रूम, अपर क्लास वेटिंग रूम, AC लाउंज है यहाँ पे, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जन आहार है, रिफ्रेशमेंट रूम यानी भोजनालय है, यहाँ पे नॉन AC डॉर्मिटरीज है, और आपको रिटायरिंग रूम ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए काउंटर भी दिया गया है। तो लगभग जितना भी हम लोगों का बेसिक एमिनिटीज़ एक प्लेटफॉर्म में मिलना चाहिए तो सारे चीज़ तिनसुकिया में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये न्यू तिनसुकिया जंक्शन का लगभग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया हूँ, ताकि कभी अगर आप लोग आते हैं तो न्यू तिनसुकिया में आप ये सब सुविधाएँ उपलब्ध कर सकते हैं। लगभग 9:12 पर हमारा WDP-4D का इंजन के सहित कामरूप एक्सप्रेस तिनसुकिया में अराइव कर रहा है। तो ये है हमारा कामरूप एक्सप्रेस, और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो जर्नी होने वाली है कोच नंबर B2। दोस्तों लगभग 9:22 पर एग्जैक्टली राइट टाइम में हमारा कामरूप एक्सप्रेस तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। तो ये है न्यू तिनसुकिया जंक्शन का आउटर, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि तिनसुकिया है असम का बिजनेस कैपिटल, और ये है न्यू तिनसुकिया जंक्शन। तिनसुकिया में और दो स्टेशन है, एक है तिनसुकिया जंक्शन और एक है तिनसुकिया पाथरगांव।
देखिए न्यू तिनसुकिया जंक्शन से छोड़ने के साथ साथ मैं आप लोग को वॉश बेसिन दिखा रहा हूँ। तो लगभग 100-100 है, क्लीनिंग पुराना कोच है तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये क्लीन है। अब आने में आगे वाले दिन में ये इंडियन वॉशरूम क्लीन रहेगा कि नहीं वो तो यात्रियों के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी सारा यात्री है जो यात्री लोग क्या करता है फ्लश नहीं करता है। देखिए पानी भी आ रहा है। तो आगे मैं फिर गुवाहाटी आने से पहले आप लोगों को फिर दिखाऊंगा वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। दादू भाई चाय कैसा है? खास नहीं है उतना। दादी चाय कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा ठीक है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं दुलियाजान पे, तिनसुकिया के बाद ये पहला स्टॉपेज है और डिब्रूगढ़ के बाद अगर बोले तो ये दूसरा स्टॉपेज है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 2 और यहाँ पे कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। तो हमारी ट्रेन की देखिए 9:51 पर दुलियाजान से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। दुलियाजान जो है, दुलियाजान जाना जाता है असम का वेल कैपिटल के नाम से, और यहाँ पे जो है ONGC का वेल एंड नेचुरल ग्रेस कॉरपोरेशन का यहाँ पे ऑफिस है, इसीलिए इसको असम का वेल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग का ट्रेन लगभग 9 मिनट देरी से चल रहा है। सो देखिए पेंट्री से मैंने ले लिया है, यहाँ पे भैया ने दिया है हम लोग को रेल नीर। भैया कितना करके दे रहे हैं एक बोतल? 15 रुपये। और ये देखिए मैंने 3 बोतल लिया है, तो 3 बोतल में मैंने भैया को 50 रुपीज दिया है, और भैया देखिए आप लोगों के सामने में मुझे 5 रुपीज उनके पास चेंज है इसीलिए दे रहा है। तो भैया चेंज होने से तो जरूर देंगे आप लोग, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि नहीं भैया? चेंज होने से जरूर आप लोग एकदम दे देते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं होने के बाद बोल देते भैया। और आप लोग हमेशा रेलनीरी बिक्री करते हैं? रेलनीरी बिक्री। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग 67 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं नाहरकटिया रेलवे स्टेशन में। कामरूप एक्सप्रेस का ये तीसरा हॉल्ट है, पहले आया था तिनसुकिया, उसके बाद हम लोग दुलियाजान क्रॉस किया और अभी हम लोग आए हैं नाहरकटिया में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से 2 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेन हॉल्ट करती है 16। 9:58 को हमारा ट्रेन यहाँ पे पहुँचने का बात था, और फिलहाल ट्रेन हमारा है 10 मिनट लेट। इस स्टेशन में 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, और इस स्टेशन का खासियत ये है, इसका जो नाम कैसे गिरा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सो 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है, ट्रेन की हॉकिंग होती है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं नाहरकटिया जंक्शन से। सो मैं जो बता रहा था, नाहरकटिया का जो नाम है वो नाम गिरा है नाहर वॉज बिहेडेड हियर। नाहर जो था वो था खोरा राजा का एडोप्टेड सन था, तो खोरा राजा का एडोप्टेड सन नाहर ने आहुम के जो नोबल लॉरेट्स है, तो आहुम के नोबल लॉरेट्स लोगों के साथ मिसबिहेव किया रहा, और जिसके वजह से कोलिया चाउडांग इसी प्लेस पर नाहर को बिहेड किया था। बिहेड यानी नाहर मूर कोटा गोसिले मीन्स माथा उसका, उनका सर जो है उनका सर काटा गया था। सो नाहर वॉज बिहेडेड, दैट्स वाई दिस प्लेस इज नोन एज नाहरकटिया। सो नाहरकटिया का फेमस है इसका वेल फील्ड के लिए। इन द ईयर ऑफ 1953 नाहरकटिया में वेल फील्ड डिस्कवर किया गया था, और 1954 में यहाँ पे जो वेल फील्ड है उसका फंक्शनिंग चला था। सो वेल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज के लिए नाहरकटिया जो है फेमस है। सो ये है नाहरकटिया का आउटर। दोस्तों हम लोग हैं अभी नामरूप रेलवे स्टेशन में, और नामरूप रेलवे स्टेशन में देखिए ये जो कंपार्टमेंट है B2, ये देखिए यहाँ पे आकर खड़ा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे पूरा ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। तो अगर B2 में कोई किसी को चढ़ना है तो बहुत ही मुश्किल है, उनको B1 में चढ़ कर फिर आना होगा। नामरूप रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 2, और यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती।
सो हमारा यहाँ पे ट्रेन पहुँचने वाला था 10:43 को और डिपार्चर था 10:45, लेकिन हम लोग नामरूप स्टेशन में पहुँचे 15 मिनट्स बिफोर, यानी 10:30 को हम लोग अभी पहुँच गए हैं। सो लगभग 15 मिनट है अभी ट्रेन छोड़ने के लिए। ताई भाषा में नाम मतलब पानी यानी वाटर, और रूप आरयूपी रूप जो कि आया है आरयू के रूक से, रूक मतलब फाइव, सो इट इज़ ए रीजियन ऑफ फाइव रिवर, इसीलिए इस जगह का नाम का उत्पत्ति हुआ है नामरूप। इन द ईयर ऑफ 1960 साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला नेचुरल गैस बेस्ड पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना था नामरूप में, जिसका नाम है NTPS, जिसका फुल फॉर्म है नामरूप थर्मल पावर स्टेशन। और आज है 24 जनवरी, देखिए उतना खास फॉग है नहीं, ऐसे डेंस फॉग है नहीं, क्लियर है। तो दोस्तों 376 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी ट्रेन अभी आकर पहुंची है लामडिंग रेलवे स्टेशन। लामडिंग रेलवे स्टेशन जो है ये एक बहुत ही अहम रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए, और लामडिंग रेलवे स्टेशन में आपको लगभग सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाएगी। और हमारी जो ट्रेन है, हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे आई है। यहाँ पे इसका आने का टाइम था 4:50 पर, लेकिन अभी लगभग 4:58 हुआ है। और यहाँ पे लामडिंग स्टेशन में कामरूप एक्सप्रेस का टोटल हॉल्टिंग टाइम है 5 मिनट्स। लामडिंग स्टेशन की बात करें तो यहाँ में आपको सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाएगी। और ये जो स्टेशन है, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे 5, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेन्स यहाँ पे हॉल्टिंग करती है 68। यहाँ से 3 ट्रेन ओरिजिनेट और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये जो लाइन है, इस लाइन से एक लाइन चला जाता है लामडिंग टू गुवाहाटी, एक चला जाता है डिब्रू सैखवा की तरफ, और एक चला जाता है आपका लामडिंग टू बदरपुर होके सीधा त्रिपुरा निकल जाता है। सो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए। और लामडिंग के बारे में और एक बात है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश लोग लामडिंग को बनाया था रडर बेस टू, और यहाँ से भी सुधांशु भूषण बनर्जी बोल के एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में यहाँ से काफ़ी मूवमेंट्स किए थे और वर्ल्ड वॉर टू के अगेंस्ट में काफ़ी रैलियाँ और प्रोटेस्ट निकाला था। तो ये है छोटा सा लामडिंग के बारे में। सो अब देखते हैं, फिलहाल 5 बजा है, कब तक हमारी ट्रेन छोड़ती है अब आपको डिपार्चर दिखाऊंगा। तो देखिए अभी तक जो है सनराइज़ नहीं हुआ है, लेकिन फॉग वैसा खास है नहीं, डेंस फॉग जो है वो है नहीं, तो कोशिश करूंगा आप लोगों को सनराइज़ दिखाने के लिए। सोचा था यहाँ पे चाय पीऊँगा, लेकिन हमारी बॉगी जो है काफ़ी आगे आ चुकी है, चाय की स्टॉल जो है वो सारे पीछे रह गए हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्टेशन है लंका, तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा वाटर फिलिंग का काम भी चल रहा है। सो ट्रेन चलकर फिर रुक गई है, अब पता नहीं किस लिए रुका हुआ है भाई।
तो एक बार शांटिंग कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, हॉन्किंग भी हो चुका था, ट्रेन स्टार्ट भी हो गया रहा, और फिर दोबारा अभी फिर से आगे पीछे हो रहा है। चलिए जब डिपार्ट करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। सो एट लास्ट 15 मिनट की देरी से लामडिंग स्टेशन से हमारी कामरूप एक्सप्रेस निकल पड़ी है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कंबाइंड क्रू लॉबी लामडिंग। लामडिंग स्टेशन का और एक बात है कि यहाँ पे इस स्टेशन में आपको लगभग सारी बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपका एसी वेटिंग रूम, नॉन एसी वेटिंग रूम, लाउंज, एसी रिटायरिंग रूम, नॉन एसी रिटायरिंग रूम, नॉन एसी डॉर्मेटरी को लेकर लगभग सारी जो सुविधाएं है वो सारी सुविधाएं आपको लामडिंग स्टेशन में मिल जाएगी। सो ये लामडिंग स्टेशन का आउटर। और एक हाँ एक बात है कि यहाँ पे आप बाहर में मोबाइल निकालने में सावधान रहिएगा, क्योंकि डीफू, लामडिंग और इधर में डीमापुर, ये तीन स्टेशन जो है, इस तीन स्टेशन में मोबाइल स्नैचिंग काफ़ी सारा होता है। उन लोग क्या करते हैं, लाठी मारते हैं, मारकर मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। सो सजेशन यही है कि आप लोग ये अवॉइड कीजिएगा। लगभग 406 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमारी गाड़ी अब आकर पहुंची है लंका। लंका जो है इसका नाम इसलिए लंका आया था क्योंकि लंग मतलब पानी और खा मतलब कम, सो पानी कम, इस वजह से इस जगह का नाम हुआ था लंका। और यहाँ का एक संस्कृत शब्द ही है जिसका नाम है डबक, यानी देवर्क। तो डबक से मतलब यहाँ पे पानी कम है, इस वजह से इस जगह का नाम भी हुआ था लंका। तो 1950 में यहाँ पे जो असम में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, उस भूकंप पे वजह से क्या हुआ रहा कि यहाँ का जो पानी का लेवल है ये ऊपर उठ गया, और ब्रिटिश के टाइम में यहाँ से वागन में भर भर कर यहाँ पे पानी लाया जा रहा था। हमारे ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 4:26 और यहाँ से डिपार्चर का टाइम था 4:28, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँची है 5:26 पे हमारी ट्रेन को यहाँ पे पहुँचने का था, और 5:28 यानी 2 का हॉल्ट है जो हमारे यहाँ से डिपार्चर हो जाने का बात था, लेकिन फिलहाल 5:40 आकर पहुँची है। सभी 2 के हॉल्ट के बाद हमारा अभी ट्रेन लंका स्टेशन से निकल चुकी है। सो 5:47 है, 5:45 पर हम यहाँ पर आए थे। सो ऑलमोस्ट 20 लेट है अभी, और देखिए अभी तक सनराइज नहीं हुआ है। जो लंका है ये उजाई डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 3 और टोटल नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स है 33। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। चलिए आगे में फ्लाई कर रहे हैं। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आकर अभी पहुंची है हुजाई रेलवे स्टेशन। हुजाई रेलवे स्टेशन में हमारा पहुंचने का टाइम था 5:42 और अभी बज रहे 6:01। यहाँ पे सिर्फ 2 का स्टॉपेज है। हुजाई स्टेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स है 3 और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्रेन हॉल्ट करती है 58। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। हुजाई जो है इसका नाम गिरा है डिमा
हसाओ के नाम से, डिमा हसाओ में होजाई का मतलब होता है प्रिस्ट। तो यहाँ का जो डिमा हसाओ जो है उन लोग का यहाँ पे डिमा कसारी को यहाँ पे होजाई कसारी के नाम से भी जाना जाता है। सो होजाई इज बेसिकली द नेम इज़ फॉर प्रिस्ट। फिलहाल 6:02 हुआ है, 1 मिनट के भीतर शायद हमारा ट्रेन का डिपार्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। मिनट के होल्ड के बाद 6:03 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो फिलहाल लगभग 20 मिनट का देरी से हमारा ट्रेन चल रही है और भाई अभी तक सनराइज नहीं हुआ है। देखिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सनराइज दिखाने का। वेदर अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, अगर वेदर आगे में ठीक रहा तो सनराइज कैप्चर करने का कोशिश करूँगा। दौड़ कर उठा है, ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर ट्रेन छोड़ दिया उससे पहले ही आपको जो भी बोगी सामने मिले उस बोगी में चढ़ जाना चाहिए। पहले आप चढ़ जाइए, फिर अंदर अंदर आप अपना बोगी में चला जाइए। इस तरह का जल्दी ट्रेन में उठना आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। ये हमारी होजाई की आउटर, तो दोस्तों अभी हम लोग आ पहुंचे हैं चापारमुख रेलवे स्टेशन। चापारमुख रेलवे स्टेशन में टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से 3। यहां से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती और इस स्टेशन से लगभग 64 ट्रेन्स यहां पे हॉल्ट करती है। लगभग सारी मेजर ट्रेन यहां पे हॉल्ट करती है। हमारे कामरूप एक्सप्रेस का यहां पे हॉल्टिंग टाइम है 2 मिनट्स और फिलहाल हमारा जो ट्रेन है वो 20 मिनट की देरी से यहां पर आया है। चापारमुख इज़ फेमस फॉर माताजी गुरुद्वारा। यहाँ पे असम का जो सेकंड लार्जेस्ट गुरुद्वारा जो है वो चापारमुख में है और ये जो है ये हिस्ट्री जुड़ा हुआ है महाराजा रंजीत सिंह के साथ। तो इस मेरा पहला वाला वीडियो का जो ब्लॉग है उस ब्लॉग में आपको पूरा हिस्ट्री मैंने बता दिया था। महाराजा रंजीत सिंह जी ने 500 सोल्जर को असम में भेजा था, चंद्रकांता सिंह था तब अहोम किंग, और उनको हेल्प करने के लिए 500 सोल्जर्स यहाँ पे भेजा था और इसी जगह पे माताजी गुरुद्वारा का स्थापित हुआ था इन द ईयर 1820। तो होंकिंग हो गया है, 2 मिनट का स्टॉपेज ख़त्म और हमारी ट्रेन धीरे से चापारमुख रेलवे स्टेशन से निकल रही है। अभी सीधा हम लोग चापारमुख के बाद नेक्स्ट स्टेशन होगा हमारा गुवाहाटी। और देखिए इधर देखिए ब्यूटीफुल सनराइज़, ये देखिए धीरे से फॉग के कारण थोड़ा सा देखिए दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल सनराइज। चापारमुख जो है ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ सनराइज। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कामरूप एक्सप्रेस का कोच कंपोजिशन, कामरूप एक्सप्रेस चलती है 3 जनरल क्लास, 11 स्लीपर क्लास, 3 एसी, 3 एसी
कोच के साथ और एक 2 AC कोच के साथ। और हाँ, कामरूप एक्सप्रेस में आपको पेंट्री की सुविधा मिल जाएगी। और एक चीज़ मैंने गौर किया है कि पेंट्री कार्ड से जो खाना दे रही थी उन लोग, जो AC 3 टायर में दे रही थी, तो उसमें स्टैंडर्ड वेज मील जो है वो 80 रुपीज़ में दे रहा था। यानी आप अगर मांगते हैं तो आपको स्टैंडर्ड वेज मील 80 रुपीज़ में दिया जा रहा था। और कामरूप एक्सप्रेस का अगर मैं फेयर की बात करूँ, तो अगर आप डिब्रूगढ़ से हावड़ा जंक्शन तक एंड टू एंड जर्नी करते हैं तो आपका फेयर गिरेगा 2 AC में 2,445 रुपये, 3 AC में आपको गिरेगा 1,690 रुपीज़, और स्लीपर में आपको गिरेगा 635 रुपये, और जनरल में आपको गिरेगा 340 रुपये अगर आप एंड टू एंड जर्नी करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रैवल किया था न्यू तिनसुकिया से लेकर गुवाहाटी तक, और हम लोग का जो AC 3 टायर में फेयर गिरा था वो था 825 रुपये पर टिकट। एकदम राइट टाइम में हम लोग गुवाहाटी स्टेशन आकर पहुंच गए हैं, और हमारा आज का जर्नी जो है ये गुवाहाटी में डिपोर्ट हो रहा है। ट्रेन तो जाएगी हावड़ा तक, और जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन भुजाई से लेके यहाँ तक पानी का प्रॉब्लम तो है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा गौर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, तो हम लोग लिफ्ट में चलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2। थैंक यू यात्रीगण, कृपया ध्यान दें,
9 1 3 1। आज की व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 1 3।